अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रात आहर का इसमें मज़े का ट्विस्ट तो आ ही गया। एक तरफ तो सलार आलिम साहब के साथ सवेरा के बच्चे लेने चाहता है, जमील से काफ़ी हाथापाई हुई जिसकी वजह से सलार को सर पर चोट लगने की वजह से थोड़ा सा जख्मी भी हो गया और बैंडेज भी लग गई। जैन ईमान को फ़ोन करते हुए कहने लगा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने अपने वादे का पास रखा। मैंने कहा था ना मेरी वापसी तक तुम्हें ज़िंदा रहना होगा, तुम जिंदा रही। तो अब एक और रिक्वेस्ट है तुमसे, एक बार मुझसे मुलाकात कर लो, तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब तो ईमान की आंखों में भी आंसू आ गए और वो जैन जिससे बहुत मोहब्बत करती है उसकी रिक्वेस्ट को टाल नहीं सकी। इसीलिए तो सलार जो कि घर में मौजूद नहीं था, तो ईमान जैन से मिलने चली जाती है ताकि सलार के आने से पहले ये मामला भी रफा दफा कर ले। अब वो जैन से मिलने उसके घर चली जाती है। जैन तो ईमान को अपने सामने देखकर एकदम से खुश हो गया। मैं जानता था तुम ज़रूर आओगी, आखिर तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत थी, मोहब्बत तो भूले नहीं भुलाई जा सकती। अब ईमान इतनी फजूल बातें सुनने नहीं आई थी, इसलिए तो फ़ौरन से पहले यहाँ से जाने लगी। लेकिन सलार उसका हाथ पकड़ लेता है, नहीं जाने दूँगा, अपनी बात मुकम्मल किए बगैर कभी नहीं जाने दूँगा, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब यहाँ से ईमान को खींचते हुए गाड़ी में बिठाया और उस फ्लैट तक ले गया जो उसने शादी के बाद ईमान को देना था। अब यहाँ पर जाकर उसे सारी बात क्लियर करेगा, क्या मसला था, शादी के 4 दिन पहले तुमने शादी से इनकार क्यों किया, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर ऐसी क्या बात हुई। तो ईमान बताने लगी, तुम तस्वीर का पहला रुख देख रहे हो तभी ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हें किसी और बात का तो पता ही नहीं। तो जैन कहने लगा, तो बताओ ना, बात सुनने ही आया हूँ, तुम बताओ क्या वजह बनी। तो यहाँ पर ईमान सारी सिचुएशन बताएगी कि कैसे जमील और जैन की माँ ने मिलकर प्लानिंग की थी और इस शादी को रुकवाया था। अब यहाँ पर जैन कहने लगा, ठीक है जो हुआ सो हुआ, अपनाना चाहता हूँ तुम्हें, तलाक ले लो सलार से। ऐसे में काफ़ी परेशान हो जाती हैं ईमान, क्या कह रहे हो तुम, किसी की बीवी हूँ मैं, किसी के निकाह में हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ सलार जो कि जमील के चक्कर से फारिग होकर वापस आया तो यहाँ पर ईमान को नहीं देखा, फ़ौरन से पहले जोया और फिर अपने भाई को फ़ोन करते हुए पूछने लगा, ईमान कहाँ है कुछ पता है। लेकिन किसी को भी ईमान के बारे में कुछ मालूम नहीं। तो फ़ौरन से पहले वो जैन के घर चला गया, उसे मालूम था कि जैन ही कहीं ले गया होगा। वो जैन के घर भी जाता है जहाँ से मालूम पड़ा कि जैन अभी अभी ईमान को कहीं और ले गया। तो फिर सलार जैन के उस घर जाता है जो कि उसने ईमान के लिए दिया था, इसलिए वहाँ पर जाकर जब देखा तो ईमान उसे मिल ही गई। लेकिन देखकर हैरान है कि दोनों सोफे पर बैठे बहुत ही मुतमईन हैं और एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बात कर रहे थे। सलार की तो आंखों में आंसू आ गए कि ईमान इस हालत में उसे बैठी मिली, इससे पहले उसकी जान ही निकल जाती। ईमान भी उसे देखकर रोने लगी, जल्दी से उसके पास आ जाती है, उसे अपनी सफाई देने की कोशिश करती है। इसे मिलने आई थी, बार बार मुझे कॉल कर रहा था, मैं उसे समझाने आई थी, अब तुम्हारी नहीं हो सकती। लेकिन ईमान कुछ भी कहती रहे, जो भी सफाई देती रहे, सलार की आंखों में ईमान को खोने का खौफ साफ दिखाई दे रहा है।